हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं अब लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, गाइस आर्क इटर्नल का। तो गाइस, आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना गाइस, हम एक्चुअली में टेम करने वाले थे आर्मर्ड स्पाइनोसॉरस, लेकिन अपन को जो ना भाई रस्ते में मिल गया था कतई ज्यादा ओपी वाला आयरन मैन सर जी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना भाई, एक काम कर लेते हैं भाई, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे जो ना इसका नामकरण कर लेते हैं। तो भाई मेरे को जो है ना भाई, एक दो बंदों ने इसके नाम जो है ना आयरन मैन ही सजेस्ट करा, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं इसको आयरन मैन बुला रहा था, तो इसलिए जो ना भाई इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ भाई आयरन मैन। और ये जो नाम है ना भाई, सबसे पहले यहाँ पे भाई सजेस्ट करा है उमेश ब्रदर ने। तो उमेश ब्रो, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू उमेश मेरे बच्ची, ठीक है। चलो भाई, नामकरण हो गया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही है। तो गाइस, यहाँ पे जो ना भाई आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले, वैसे आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज इस एपिसोड में हम जो ना गाइस यहाँ पे टेम करने वाले आर्मर्ड स्पाइनोसॉरस को। एंड अगले एपिसोड में जो ना भाई अपन आर्मर्ड वाला जो सेकंड क्रीचर होता है उसको भी टेम करने की कोशिश करेंगे, अगर वो मैप पे हुआ तो। लेकिन गाइस, आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे 140,000 सब्सक्राइबर से सिर्फ 1.1K सब्सक्राइबर दूर है। तो फटाक से गाइस हमारा 140,000 का गोल कंप्लीट कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिनके चैनल पे 60,000 होने वाले, और सिर्फ गाइस यहाँ पे 50 और सब्सक्राइबर चाहिए, 50 मेरे बच्चे 50। तो फटाफट गाइस सब्सक्राइब करके उनका गोल भी कंप्लीट कर देना गाइस, और उनके चैनल पे आर्क इटर्नल की पीवीपी मतलब एनी एक डायनो चूज करेगा आर्क इटर्नल वाला, मैं एक डायनो चूज करूंगा, एंड उसको जाके मस्त में की टेम भी मार के अपन यहाँ पे जो ना भाई फाइट करेंगे। तो वो वाली बैटल भी बहुत ज्यादा जल्दी आपको लगभग गाइस मेरे हिसाब से इस वीक में ही भाई देखने को मिलेगी, इफ एनी अगर ठीक हुई तो गाइस, ठीक है। फिलहाल उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, तो उसके कारण भाई मे भी एक वीक लग सकता है, देखते चलो। तो गाइस यहाँ पे आज अपन निकलने वाले यहाँ पे आर्मर्ड वाला एकदम ओपी सा मेरा खतरनाक सा स्पाइनो टेम करने के लिए। तो बिना किसी देरी के निकल लेते, और जेली स्टार है ही, अरे भाई जेली स्टार नहीं है क्या, आर्मर्ड डार्क स्टार है भाई। ओके ठीक है भाई, ए जेली भाई, जेली स्टार जब से मेरी जिंदगी में आया, पहले मैं बहुत उदास था गाइस, ठीक है। पहले डायनोस को टेम करने में भाई मेरी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन उसके बाद मेरे लाइफ में आई जेली स्टार। जेली स्टार जब से लाइफ में आई है, मेरी गाइस लाइफ बदल चुकी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सेकंड के अंदर किसी भी डायनो को यहाँ पे नॉकआउट कर सकता हूँ। तो इसलिए भाई आप भी जल्दी से जल्दी आर्क इटर्नल में जेली स्टार टेम कर लीजिए। वैसे उसका नाम जेली स्टार नहीं है, लो अब इसको उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में लेने की चुल मची है क्या ड्रैगन को? हाँ भाई, इसकी आख्या पे अबे भाई रुक जाओ, अबे रुको जरा सब्र करो, नाम शरीफ क्या हो गए, पूरा जमाना भाई बदमाशी पे उतर आया है। अरे भाई इसके कांट फीड इन टारगेट एरिया, रुक भाई कौन भाई, अरे रुक रुक रुक, फटी गयो आराम, ज्यादा हो गया बेहोश, हो गया बेहोश नहीं करेंगे, मार देंगे टारगेट। चल भग भाई, मेरे को मारने की जरूरत कैसी हुई भाई, पहले उसकी भाई गेम का आवाज कम करने दो, यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा बुम बाम हो रहा भाई, ठीक है लेट्स गो आगे चलते। और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आर्मर्ड वाला जो स्पाइनो था ना भाई, उसको किसी ने अभी तक पेलम बाल ना दिया हो, अगर दिया होगा तो तुम्हारे भाई के लग गए फिर, पता नहीं भाई तुम्हारा भाई फिर क्या टीम करेगा कैसे यहाँ पे। हाँ और राइट, चलो भाई ये भाई शांति वाले भाई माहौल में अपन आ चुके हैं, और यहाँ पे गाइस अपन को टेम कर लेना एकदम ओपी सा मेरा बच्ची रे, ये खतरनाक सा आर्मर्ड स्पाइनो सॉरस गाइस, ठीक है। देख रहे हो ओ भाई, हेलो लुक तो देखो, बेहोश हो जा पहले बेहोश हो जा भाई, खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। ये बेहोश हुआ, मजाक कर रहा, अब बेहोश है, मर गया। ये कौन से भाई आसन में भाई बेहोश हुआ, ये कौन सा आसन है, मार्केट में नया है क्या भाई? रामदेव बाबा ने नया आसन लेके आ गया और मेरे को पता भी नहीं चला भाई, ये कौन सा आसन है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये टेम कर लो भाई पहले इसको भाई, पता नहीं कैसी पोजीशन में भाई बेहोश हुआ था भाई। भाई दे दे भाई, ठीक है सैडल लगेगा क्या लूंडे? अरे यार इसको सैडल लगेगा। चलो गाइस, इसका जो लुक है ना मैं आपको भाई बेस पे जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा ही ओपी गाइस, ठीक है। और आर्मर स्पाइनो तो मतलब गाइस आपको पता होगा ही,
इसको जो ना भाई डैमेज काफी ज्यादा कम पड़ेगा एनिमीज का गाइस। ऊपर से मैं इसको एक आर्मर भी पहना दूंगा गाइस, क्योंकि मेरे इन्वेंटरी में आर्मर है क्या? अगर नहीं होगा तो मैं वहां से ले लेता ना गाइस, टेंशन नहीं है भाई। ठीक है रुक जाओ भाई, खाना खाने तो सबसे पहले। एंड यहाँ पे जो ना भाई, अगर मेरे इन्वेंटरी में आर्मर नहीं है तो यहाँ से ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को स्पाइनो का जो ना सैडल, स्पाइनो के सैडल मेरे पास पड़े हुए, अल्फा का ले लूँ क्या? अल्फा का ले लेता, आई थिंक ये वाला भी ले लेता नॉर्मल स्पाइनो का भाई। ठीक है, ये कौन सा वाला स्पाइनो है भाई? बोन स्पाइनो का कॉस्ट्यूम पहना देंगे, किसी ना किसी स्पाइनो को टेंशन नहीं लेने का भाई। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना था भाई, आर्मर चाहिए ना मेरे को भाई। ये फालतू की चीजें डाल दो, ये क्या है? टेरानो है एक और, ओ माई गॉड गाइज। अगले एपिसोड में भाई क्या क्या टेरानोवा आर्मी बनाए भाई, ओवर पावर्ड हो जाएगी गाइस। गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना टेरानोवा आर्मी मंगती या नहीं मंगती तुमको भाई। ठीक है, मेरे को बस बता देना, अगर तुम बोलती टेरानोवा आर्मी बनाओ तो अपन टेरानोवा की आर्मी बनाएंगे एकदम ओपी वाली। वैसे मेरे पास टेरानोवा पड़े होंगे पहले से यार, टेरानोवा की आर्मी अपन ने पहले ही बनाई थी क्या? नहीं भी पता नहीं यार मेरे को। ठीक है, यहाँ से जो ना भाई आर्मर निकाल लेते अपन, आर्मर तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, कितना है? अरे 84 वाला नहीं चाहिए, 320। ठीक है चलो भाई, एकदम ओपी वाला नहीं लगाना इसको आर्मर, एकदम भाई नॉर्मल सा लगा दिया है मैंने। और गाइस सबसे पहले इसका लुक देखो, लुक देख के चौक जाओगे गाइस, चौक जाओगे भाई। ठीक है, ऐसा डरना फिरना नहीं है, एकदम डेंजरस वाला लुक है गाइस इसका। अबे ये वाला सैडल नहीं लगता इसको, ये वाला वे कौन सा सैडल लगेगा? अच्छा ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं लगता, नॉर्मल वाला लगता भाई। ठीक है ले बेटे, ओ माँ, ओ भाई, अरे बेटे गाइज भाई साइज तो देखो, अबे इसकी पूछ जो है ना वो मेरे घर की इतनी बड़ी है सच में, देखो तो। और पूरा का पूरा आर्मर लगा हुआ है भाई, सच में भाई लाजवाब है भाई। हाँ इसका जो भाई ऊपर का जो विंग होता है ना, जो स्पाइन होता है ना भाई, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जा चुका है, लेकिन भाई बीस्ट लग रहा है भाई, एकदम खतरनाक सा। और उसके ऊपर जो भाई पीठ के ऊपर, सर से लेके जो पीठ तक जो आर्मर लगाए ना भाई, अरे हई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अटैक कौन से? ओ है वाइट अटैक है, लेफ्ट क्लिक पे। ओ इसके पास स्पाइनो वाले अटैक है सारे, हाँ इसके पास सारे स्पाइनो वाले अटैक है। अरे बेटे कितना ज्यादा बड़ा मुंह खोल रहा है लोंडा, ये देखो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। इस पे ओके, इसके पास जो नॉर्मल स्पाइनो के अटैक होते हैं ना गाइज, वही अटैक है। और ये मेरे को काफी ज्यादा कुल लग रहा है यार, यार 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 मजा आ गया गाइज। अभी तो इसको मेरे को भाई अभी तक आर्मर पहनाना बाकी है गाइज, ठीक है अभी तो इसको आर्मर पहनाना बाकी है। अभी आर्मर पहना के जो ना इसके हेल्थ में थोड़े से पॉइंट डाल देगा अपन भाई, भाई पॉटी करना शुरू कर दीजिए भाई। हेल्थ कितनी होगी बता पहले, हेल्थ भाई। हेलो मजाक कर रहा है क्या भाई? इसकी हेल्थ 1 बिलियन हो जाएगी गाइज, ये देखना, देखो हिल देखना, हिल देखना, 1 बिलियन। अबे भाई सब खतरनाक यार। ओके ये स्पाइनो जो है ना काफी ज्यादा ओपी है, इसका एक आर्मर्ड गीगा में एक इसका इवोल्यूशन होता है भाई, वो भी मेरे को चेकआउट करना है। फिलहाल के लिए गाइज इसका जो है ना भाई बेसिक, ये खतरनाक सा जो स्पाइनो है ना इसका अटैक में देख लेता गाइज, ठीक है इसका बेसिक अटैक देखता, वो भी हाइड्रेटेड होने के बाद भाई, हाइड्रेटेड होने के बाद इसका डैमेज जो है ना एकदम बढ़ जाता है। ओए ओके ओके ब्रो, ओके ब्रदर, खतरनाक। 8 मिलियन भाई, मौज कर दी बेटे, बेटे मौज कर दी भाई, 8 मिलियन का डैमेज दे रहा है। ऑलराइट, अरे अगर ये दो पैरों पे खड़ा होता है तो डैमेज नहीं उतना ही जा रहा है। ओके इसका डैमेज बढ़ नहीं रहा, मेरे को लगा भाई दो पैरों पे खड़ा होने के बाद इसका डैमेज बढ़ेगा। एक्सीक्यूशन खिला देता है इसको भाई, ले बेटे खा ले खा ले खा ले भाई, सारे मछलियों को खा जा भाई। ठीक है भाई, मैक्स लूल हो गया गाइस, गाइस मैक्स लूल हो गया भाई, लिख के ले लो 15 मिलियन से ज्यादा इसका डैमेज जाएगा, मतलब जाएगा भाई। ठीक है भाई 15 मिलियन डैमेज गया, 15 मिलियन भाई। ठीक है ले बेटे 21, वाओ जो एक्सपेक्ट करा था उससे काफी ज्यादा डैमेज जा रहा है गाइस स्पाइनो का। ऊपर से स्पीड तो देखो, हाँ वो अलग बात है कि अभी ये हाइड्रेट है, हाइड्रेटेड मतलब गाइस यहाँ पे जो ना पानी से जैसे ही टच करता ना कोई भी स्पाइनो तो उसको जो ना एक अलग सा बफ मिलता है भाई। तो फिलहाल के लिए ये जो डायनो है ना भाई उस बफ के अंदर है गाइस। और ऊपर से भाई दो पैरों पे खड़ा, हाँ भाई दो पैरों पे खड़ा होगा तो और ज्यादा भाई स्पीड में चलेगा ये। ले बेटे ओ 10 मिलियन ही डैमेज दे रहा, ओ ना दो पैरों पे अगर खड़ा होता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ऑल राइट 4 पैरों पे जो ना काफी ज्यादा तेजी से चलता है भाई ये। ऑल राइट 21 मिलियन का ऊपर से डैमेज दे रहा है भाई, मजा आ गया भाई। और पानी में जो है ना, ओ पानी में तो अबे पानी में काफी ज्यादा स्पीड है गाइज, गाइस पानी में तो काफी ज्यादा स्पीड है, वाओ। अभी तो अपन ने पानी वाले क्रीचर देखे भी नहीं है,
उनको टेम करना तो शुरू करना पड़ेगा बहुत ज्यादा जल्दी गाइस, ठीक है? करेंगे टेंशन नहीं लेने का गाइस, एक मुहूर्त निकाल के जो ना पानी में उतर जाएंगे और भाई एक ऐसा एपिसोड निकालेंगे जिसमें जो ना ओनली वाटर क्रीचर टेम करेगा, ओनली मूसा बीसा फायर मूसा घोस्ट मूसा ये मूसा वो मूसा भाई सारे के सारे क्रीचर टेम करेंगे। एक दिन में जो ना 8 वीडियो या 9 वीडियो डालूंगा भाई, जिसमें बस अपन यही क्रीचर पानी वाले टेम करते रहेंगे, टेंशन नहीं लड़ेगा गाइस, ठीक है? और उनके लिए एक जगह भी यहाँ पे आजू बाजू बना डालेंगे गाइस, ठीक है भाई? ये स्पाइन गाइस आपको कैसे लगा सच बताना भाई, लुक वाइज डैमेज वाइज यहाँ पे जो ना भाई ये स्पाइडो जो ना एकदम ओपी वाला वो आपको कैसे लगा? मेरे को तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगा है, खास करके इसका जो आर्मर है ना भाई, ये तो भाई लाजवाब है यार। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जो ना ऐसा स्टोन का आर्मर लगा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा कवच जो ना ऐसा स्टोन से बना हुआ है ऐसा लग रहा है। देखो ध्यान से देखना गाइस, देख रहे हो नहीं लग रहा? पूरा कवच ऐसा लग रहा है भाई सीमेंट से बना हुआ है, देख रहे हो क्या ही ओपी कवच है भाई। मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद आया यार, आर्मर्ड वाला भाई स्पाइनो। तो गाइस आपको इस स्पाइनो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता देना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस। और आपसे मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में अपन सेकंड आर्मर जो डायनो होता है ना उसको भी टेम करने की कोशिश करेंगे। अभी वो डायनो कौन सा है वो आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में, और गाइस 1K like 1K कर देना यार प्लीज गाइस, 1K like हो जानी चाहिए गाइस, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर माय लिटिल एलिगेटर्स, बाय बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.